अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या है कि इज द फंक्शन डिफाइन बाय द फंक्शन डिफाइन है, क्या ये फंक्शन एक्स इक्वल पाई पर कंटिन्यूस है ये शो करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तुम्हारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, और एक्स इक्वल पाई पे करना है तो यहां पर लिखेंगे एक्स इक्वल पाई। ठीक, और ये फंक्शन अकेला फंक्शन है तो उसके लिए बताया था आपको कि डायरेक्ट लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स, और अब एफ एक्स वैल्यू रख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, पाई की वैल्यू रख देंगे बेटा, क्या आ जाएगा ये पाई का स्क्वायर, एक जगह रखेंगे ना पाई, तो यहां पे पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव। आपको पता है साइन पाई की वैल्यू होती है बेटा जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये पाई स्क्वायर बचा और प्लस फाइव बचा, तो इस तरह से पाई स्क्वायर प्लस फाइव आ गया, क्या आया ये लिमिट वैल्यू। अब निकालेंगे हम फंक्शन वैल्यू एफ पाई, तो एफ पाई रख दो बेटा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा हमारा साइन पाई और प्लस फाइव, सॉल्व करेंगे ये जीरो देगा उसी तरह, ये भी क्या आएगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव। तो यहां से पता चला कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है एफ पाई के, तो फंक्शन और लिमिट वैल्यू इक्वल, तो इंप्लाइज कर देगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल पाई। ये समझ में आया होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल